Hello everyone i welcome you all to the video lecture series of signal system subject code is kec403 and here we are in lecture number 3 of unit number 2 so प्रॉब्लम पड़ी है की हाउ वी कैन कैलकुलेट दनवल्यूशन इंटीग्रल ऑफ लीनियर शिफ्ट इन वायरमेंट सिस्टम हाउ विल कैलकुलेट द आउटपुट वेन सिस्टम इनपुट एक्सटी एंड इम्पल्स टीज गिवेन नाउ

लेक्चर डॉट दिस पर्टिकुलर मैथड इज बेसिकली कॉल्ड डायरेक्ट मैथड और ग्राफिकल मैथड तो सेम वे में यहां पर भी है जो हम कन्वल्यूशन सम करने वाले दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मैथड और विद प्रॉब्लम हम इस मैथड को समझने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ऑन कन्वल्यूशनल सम सो

तो एक्सएन की वैल्यू जैसे कि हमने वहां पे एक्स टी को रिप्रेजेंट किया था इन टर्म्स ऑफ इंपल्स सेम केस है हम यहाँ पे अगर मेरे पास कोई सिंपल है कोई है मेरे पास तो इस एक्सएन सिग्नल को मैं डेल एन से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना डेल एन माइनस के so, सो जिस तरह से हमने वहां पे टाइम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया था एक्स ऑफ एक डेल ऑफ टी माइनस टाओ इन द सेम केस वी कैन रिप्रेजेंट एनी टाइम सीक्वेंस एनी गिवन सिग्नल एक्स ऑफ के इन टर्म्स ऑफ एक्स के मल्टीप्लाई बाय डेल एन माइनस के सपोज फॉर एक्साम्पल मैं कहता हूँ के वैल्यू वन तो ये क्या होगा x ऑफ वन डेल एन माइनस वन राइट यानी एक्स वन की वैल्यू को डेल एन माइनस वन डेल एन माइनस वन क्या होगा जी हाँ ऑलवेज वन क्योंकि डेल एन माइनस वन का मतलब है हमने सिग्नल को वन पे शिफ्ट कर दिया तो ये वैल्यू जब आपकी एक्स वन वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो यू विल गेट अ इंपल्स वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को आप इंपल्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ इंपल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज गिवन बाय x ऑफ k डेल एन माइनस

नाउ सिंस अवर सिस्टम इज लीनियर अब अगर हम लीनियर टाइम शिफ्ट की लीनियर टाइम इन वेरियंट सिस्टम की बात करें एलटीआई सिस्टम की बात करें तो ड्यू टू दैट लीनियर टी प्रॉपर्टी सिंस एक्स के इज अ कॉन्स्टेंट

Now, ये तो हो गई फॉर्मुले की बात समझना है सीक्वेंस एक्स ऑफ एन दन वन वन एंड दिस इज अवेंस एच ऑफ एन दू कॉम टू तो इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था और

राइट स्मॉल एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के राइट सो दैट मीनस मुझे एक्स ऑफ के बनाना ना तो यहां पे इस एन को मैंने के में कन्वर्ट कर दिया एंड दिस वैल्यूज आर वन 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 फॉर के इज इक्वल टू जीरो दिस इज माई एक्स के ग्राफ Similarly, the second graph is for h of k. So h of k says zero and one value. So this is zero value and this is one value. Both amplitude are two. So this is h of k. But actually, मुझे तो as per for formula क्या calculate करना है? मुझे calculate करना है n minus k. यानी I कि mean, n minus k के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे h of minus k. राइट right? तो यानी कि मुझे इसके मिरर इमेज चाहिए तो अगर मेरे पास के है मेरे पास एच के है और आई वांट टू मेक अ मिरर इमेज ऑफ दिस तो मिरर इमेज का मतलब जीरो वाली वैल्यू एज इट इज रहने वाली है बट ये वन वाली वैल्यू कहां चली जाएगी जी हाँ ये शिफ्ट हो जाएगी माइनस वन पे राइट right? यही था ना एच ऑफ के माइनस मतलब माइनस ऑफ के अब एज पर दिस फॉर्मुला अगर हम यहाँ पे बात करें आई वांट टू कैलकुलेट दिस फंक्शन तो यहाँ पे सबसे वैल्यू अगर मैं इज इक्वल टू रखता हूं, तो व्हाट इज इज दैट वैल्यू समेशन इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स ऑफ के अन एच ऑफ माइनस के यानी कि क्या हो रहा है जब आपने एन को जीरो रखा तो एक्स ऑफ के में एच ऑफ माइनस के की मल्टीप्लाई करनी है दैट राइट right? तो so, जो हमने अभी बनाया एच ऑफ माइनस के अगर मैं इस एच ऑफ एक्स ऑफ के की एच ऑफ माइनस के से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे यहाँ पे वाई जीरो मिल जाएगा ना वाई जीरो से इज इक्वल टू माइनस टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ के एच ऑफ माइनस के मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कैसे होती है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है बहुत सिंपल है केवल सेम इंस्टेंस पे जो एम्पलीट्यूड है उन्हें करना है मल्टीप्लाई तो अगर आप सेम इंस्टेंस के एम्पलीट्यूड देखेंगे तो यहाँ पे जीरो केवल सेम मैच हो रहा है इसका एम्पलीट्यूड वन है इसका एम्पलीट्यूड 2 है आफ्टर मल्टीप्लाई आई गॉट 1 2 दैट इज इक्वल टू 2 तो व्हाट इज द y0 वैल्यू y0 वैल्यू इज नथिंग बट Similarly, if I want the next value, तो as per formula अगर मैं यह y1 create करना चाहता हूँ, n की value 1 रखता हूँ, तो what does it be? It becomes k is equal to minus infinity infinity x of k और यहाँ होता है h n minus k in general. तो अब क्या हो जाएगा h1 minus k?

टू माइनस के सो ये आ गया हमारे पास टू माइनस के वैल्यू सो दल्टीप्लाई टू माइनस के अब आप मल्टीप्लाई करेंगे दिस टू इंटू वन दू टू इंटू वन डैट इज टू यानी अगेन जो आपका वाई ऑफ टू आया दैट इज इक्वल टू फोर राइट वाई ऑफ टू बिकम फोर

2 पे और जो वैल्यू 2 पे है वो कहां पहुंच जाएगी? वो वैल्यू पहुंच जाएगी 3 पर यानी कि दिस इज माय S3 k कि जो वैल्यू 1 पे है वो 2 पे आ गई जो वैल्यू 2 पे है वो 3 पे आ गई तो ये हो गया S3 k अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो व्हाट इज द y3 बिकम्स सिमिलरली y3 हमारा हो जाएगा 1 into 2 दैट इज 2 plus 1 into 2 दैट इज 2 अगेन इक्वल टू 4 सिमिलरली अभी हमने 3 -K बनाया वी विल कैन मेक यानी इसको एक और शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा थ्री पे वैल्यू जो टू पे थी और जो थ्री पे वैल्यू थी वो फोर पे चली गई यानी ये बन गया एच फोर माइनस के क्या ये फर्दर मल्टीप्लाई हो सकता है जी हाँ हो सकता है तो वाई फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई फोर की वैल्यू हो जाएगी वन इंटू टू डाट एस टू अब अगर मैं फर्दर इसे शिफ्ट कर दूं एक और शिफ्ट कर दूं यानी आई वांट टू क्रिएट अ वैल्यू ऑफ फाइव तो अगर मैंने इसे फर्दर शिफ्ट किया इट विल मेक एच फाइव माइनस के तो जो वैल्यू यहां पे थ्री पे है दिस विल कम्स टू फोर जो वैल्यू यहां फोर पे है दिस विल कम्स टू फाइव तो क्या अब ये दो सिग्नल मल्टीप्लाई हो सकते हैं जी नहीं ये दो सिग्नल मल्टीप्लाई होंगे तो अब की बार मुझे आंसर मिलेगा वाई फाइव की वैल्यू जीरो अब मैं आगे कितनी एन की वैल्यू बढ़ाई जाऊं सिक्स माइनस के सेवन माइनस के आई ऑलवेज गेट जीरो क्यों क्योंकि इसके बाद सिग्नल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है एक्स के तो आप इसे कितना ही इंक्रीज करते चले जाइए ये ये आपको आंसर जीरो ही देने वाला है दैट मीन्स पॉजिटिव हाफ मेरी वैल्यू ओवर हो गई मैं पॉजिटिव हाफ अब आगे नहीं जा सकता अब मैं कौन सा केस कंसीडर करूं मैंने पॉजिटिव हाफ केस कंसीडर कर लिया जीरो पे चेक किया वन पे चेक किया टू पे थ्री पे फोर पे फाइव पे मुझे आंसर मिल गया अब इसी तरह से चेक करते हैं y माइनस वन यानी कि वाई वाले फॉर्मूले में अगर मैं एन की जगह माइनस रख दूंगा तो एक्स ऑफ के तो एज इट इज है एच ऑफ क्या होता है एन माइनस यानी माइनस वन

जीरोस वाई माइनस वन क्या है? Y -1, ही मिल रहा है तो अगर मैं इसे और मेरा यहां पे हो गया कैलकुलेशन ओवर हो गई मैंने राइट हैंड साइड पर सिग्नल को पूरा शिफ्ट करा के देख लिया मैं कहां तक पहुंचा फोर तक पहुंचा था फाइव पे वैल्यू जीरो हो गई थी राइट right? और अगर जो हम लेफ्ट हैंड साइड पर गए तो जैसे ही हमने फर्स्ट टाइम शिफ्ट करा आई विल गेट दीरो वैल्यू राइट सो अब इन सारी वैल्यू को आपको एक

दो सीक्वेंस का कम इन डिस्क्रीट डोमेन, राइट? अब अगर इस टेक्निक को आप एक बार दोबारा सुनेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आपको इजियर भी लगेगा एज कंपेयर टू कन्वल्यूशन इंटीग्रल मुझे लगता है बट भी आपको समझने के बाद मैं कई बार ऐसा भी होता है किन्वोल्यूशन इंटीग्रल ज्यादा ईजी लगता है इसके कॉन्सेप्ट में

टू टू मच इजी अगर आप इस मैथड के कंपेयर में बात करेंगे तो डेट इज टू मच इजी फॉर द कैल्कुलेशन ऑफ कन्वल्यूशन समय आई थिंक विद इन वन मिनट और टू मिनट आप सोल्व कर लेंगे सो स्टेट यून विद मी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम डिस्कस करेंगे टेबुलशन मैथड फॉर दिस कन्व्यूशन सम थैंक यू